ये देख सकते हैं मेरे पापा की ये चिकन दुकान है, क्योंकि इसी से हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं और खाते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज मेरे पापा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिसमें 4,500 का नुकसान लग गया। आप लोग को हम कैसे बताएं? कल रात को मेरे पापा के फ़ोन में एक कॉल आया, जो कि बोल रहा था कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, आपके दुकान के जस्ट बगल में मेरा कैंप लगा हुआ है, तो आप 20 किलो कटिंग मुर्गा दे सकते हैं। तो मेरे पापा ने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा सर, आप पेमेंट कर दीजिएगा। बस रात में ही फ़ोन डील कर लिए और उसके बारे में उतना जात पड़ताल नहीं किए और दिए सुबह मुर्गा काट के। काटने के बाद जब कॉल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 10 मिनट का पैसा सेंड कर रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, बहाना बनाने लगे। लास्ट में मुर्गा धरा के धरा रह गया, आपको दिखा देते हैं, रुकिए। देख सकते हैं 20 किलो कटिंग मुर्गा यहीं पे धरा का धरा रह गया, 4,500 का नुकसान लग गया। अब मेरे पापा को समझ में कहाँ है, हम पापा को रात को ये बोले थे कि पापा ये स्कैम हो सकता है आपके साथ, लेकिन नहीं, बोल रहे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी, उन लोग पे तो भरोसा करना होगा, ऐसे बोल रहे थे। वैसे अब हम घर आ गए हैं, अब भगवान जाने 20 किलो मुर्गा बिकेगा नहीं बिकेगा। वैसे आज तो गुरुवार है, ज़्यादा आदमी तो खाता नहीं है, धरा का धरा रह जाएगा। कल भी शिवरात्रि का संयोग है, बहुत ही दुविधा में पड़ गए, 4,500 का नुकसान लग गया, क्या करें बताइए अभी।